हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवं सर, मैं हूं आकाश वर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो होने वाली है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कारणवश टॉपर से एवरेज और यहाँ तक कि कभी कभी एवरेज से भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी कुछ गलतियाँ होती हैं जो अपनी गलती को मानना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप में से ऐसा कोई भी बच्चा है जो वीक है और टॉपर बनना चाहता है, या ऐसा कोई बच्चा है जो टॉपर है लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे टेस्ट में, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर का काम करना है आप लोगों को कि सभी को इक्वल टाइम देना है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में 5 मेंबर हैं और हम 5 मेंबर में से हम 4 को तो अहमियत देते हैं या 3 को अहमियत देते हैं और किसी एक को अहमियत नहीं देते, तो आप लोगों को बताएं उसके नजर में हमारी जो होती है इमेज कम हो जाती है, या इसका हमें भुगतान बाद में देखने को पड़ता है, वो हमें धीरे 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 हमें नफरत करना शुरू कर देता है या फिर उससे हमारा प्यार या अटैचमेंट कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिंदी और इंग्लिश, तो आप लोगों ने क्या काम किया, फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दे दिया, बायोलॉजी को टाइम नहीं दिया, तो आप लोगों को बाद में बायोलॉजी बहुत सताएगी। हिंदी और इंग्लिश को पता है लोग कब पढ़ते हैं, जब उनका एग्जाम होता है। और यकीन मानिए अगर आप अभी से हिंदी इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर देंगे तो एग्जाम टाइम में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और हर एक बच्चे के जो ऑन एवरेज है उसके 70-75 नंबर आते हैं हिंदी में, लेकिन अगर वो अभी से तैयारी करेगा तो 90 प्लस का वो स्कोर कर पाएगा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल समय देना होगा। दूसरे नंबर का है प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत से बच्चों के मन में रहता है, अरे यार अभी तो बहुत समय है, जुलाई चल रही है, पढ़ लेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं आज नहीं कल पढ़ेंगे, यार आज तो गर्मी पड़ रही है मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, आज तो बारिश है मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, आज तो मुझे दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है। मतलब आप लगातार कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो, कल के ऊपर टालते रहते हो। अगर आप उनमें से हो कि कल के ऊपर टालते हो तो आप टॉपर तो छोड़ो, आपके नंबर एवरेज से भी कम आने वाले हैं। तो आपके अंदर अगर ऐसी गलती है या आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप ऐसी गलती को आप तुरंत सुधार लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर ले आते हैं, वो एवरेज होने के बाद में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और टॉपर नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो उसके पीछे का कारण होता है डाउट को क्लियर ना करना। आपको बता दें अगर कोई एवरेज स्टूडेंट लगातार पढ़ता है, डेली स्टडी करता है, डेली अपने आप को टाइम शेड्यूल के हिसाब से पढ़ता है, सभी सब्जेक्टों को पढ़ता है, और अगर उसका कोई भी डाउट आता है उस डाउट को क्लियर करता है, और आपको बताएं डाउट क्लियर करने के बाद उसको एक एक चीजें समझ में आती हैं, उसको आसानी से चीजें याद भी हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि हम सर से पूछेंगे तो सर पता नहीं क्या सोचेंगे, सर जवाब देंगे नहीं देंगे, सर हो सकता है हमें डांट दें। तो आप लोगों को बता दें एक अच्छा टीचर जो होता है वो कभी भी बच्चे को नहीं डांटता। अगर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, आलतू फालतू का क्वेश्चन अगर पूछोगे तो हो सकता है आपको वो डांटते, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछते हो, लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हो, तो कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं डांटेंगे। और आपको बता दें अगर आप अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो आपको अपने डाउट को क्लियर जरूर करना पड़ेगा। तो आपको ये तो करनी है। अब आप कह रहे होंगे कि सर 3 पॉइंट बता दिए, एक लास्ट का पॉइंट जो बता रहा हूं ये हर एक बच्चे में कमी देखने को मिलती है, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चा लगातार प्रैक्टिस करता है तो एक एवरेज बच्चा भी टॉपर की गिनती में 101% आ जाएगा। आपको बता दें आप किसी काम को, जैसे मान लो आप फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या मैथ है या हिंदी या इंग्लिश है, कोई चीज आपको ऐसी लगती है कि जो बहुत हार्ड है या आपको ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगी, तो बस एक ही काम करना है, लगातार आप लोगों को उसको पढ़ना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार डिफरेंट टाइप के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसके साथ हमें कोई नहीं आता तो यूट्यूब के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आपको वो डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एवरेज से टॉपर की गिनती में जरूर आ जाएंगे। अगर आप टॉपर हैं और आपके अंदर प्रैक्टिस करने का गुण नहीं है तो टॉपर से आप एवरेज भी बन जाओगे, यकीन मानिए। तो आप लोगों को बता दें 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोगों के बहुत काम आ सकते हैं। मैं बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि देखो जुलाई का समय आ गया, 6-7 महीने आप लोगों के बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब जो आपके पास 6-7 महीने बचे हैं इनका आप सही से इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि यही समय है आपको कुछ आगे करने का, यही समय है स्कोर बढ़ाने का, यही समय है अपने टॉपिक पर कमांड बनाने का, यही समय है ज्यादा से ज्यादा अपना जुनून के साथ पढ़ाई करने का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अच्छे तरीके से, अच्छा स्कोर भी आप लोगों का होगा और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करना स्टार्ट की तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछना स्टार्ट करो, और उसके साथ में फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर कोई भी वैसे भी डाउट रखते हो तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर डाल दिए, पूरी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए, आप उसे देखिए, सीखिए और वहां से देखने के बाद में आप टॉपर बन जाइए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन अपने दोस्त को इसे शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।